हर दोस्तों माइंड न्यूट्रिश यूट्यूब चैनल पर आपको फिर से स्वागत है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आप लोगों के साथ एक वीडियो एडिटिंग टिप्स शेयर करूंगा, जिसको फॉलो करके आप अपने कंप्यूटर से एक वीडियो एडिटिंग के माध्यम से आप टाइपराइटर टेक्स्ट इफेक्ट डाल सकते हैं। मान लीजिए दोस्तों आप कोई टेक्स्ट लिख रहे हैं अपने वीडियो के ऊपर और वो दोस्तों टाइपराइटर की तरह टाइप हो रहा है तो आपको कैसा लगेगा, तो वो बहुत ही परफेक्ट लगता है। अभी मेरे स्क्रीन में दोस्तों आप वीडियो को देख रहे होंगे, कुछ इस टाइप से ही आपके भी वीडियो शो होगा और कुछ इस टाइप से ही टेक्स्ट टाइप होगा। तो अगर आपको भी टाइपराइटर टेक्स्ट इफेक्ट अपने वीडियो में डालना है तो आज के इस वीडियो को लास्ट तक का देखते रहिए। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों वीडियो में टाइपराइटर टेक्स्ट इफेक्ट ऐड करने के लिए आज हम जिस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करने वाले हैं उसका नाम है कैमटासिया। ये बहुत ही पावरफुल एक वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है। इसका लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उधर से आप इसको डायरेक्टली डाउनलोड करके अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर सकते हैं। ये एक पेड सॉफ्टवेयर है लेकिन आप इसको कुछ दिन के लिए फ्री ट्रायल वर्जन में भी यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन यूज करते हैं तो दोस्तों ये वीडियो आपके काम के लिए नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ जो लोग कंप्यूटर लैपटॉप यूज करते हैं उनके कंप्यूटर में ही उनके ही दोस्तों ये काम आएगा। अगर आपको एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन से भी करना है टाइपराइटर टेक्स्ट इफेक्ट ऐड तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, हम और एक वीडियो बना देंगे उसके ऊपर। फिलहाल तो जो लोग कंप्यूटर यूज करते हैं वही इस वीडियो को लास्ट तक का देखते रहे। तो चलिए हम लोग कैमटासिया को इंस्टॉल कर लेते हैं। तो कैमटासिया हमारे कंप्यूटर में पहले से इंस्टॉल है तो कुछ इस टाइप से दोस्तों ये देखने को मिलता है। अगर आपके कंप्यूटर में नहीं है तो आप इसको इंस्टॉल ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो अगर आप दूसरा कोई सॉफ्टवेयर यूज करते हैं तो उसमें दोस्तों ये काम करेगा या नहीं मुझे नहीं पता, आपको कैमटासिया ही यूज करना है। तो चलिए सबसे पहले आपको कैमटासिया को इंस्टॉल करने के बाद, इस तरह ओपन करने के बाद आपको जो करना है, आपको ये जो सेकेंड ऑप्शन है आपको इस पर जाना है। इस पर जाने के बाद आपको इधर एक ऑप्शन मिलेगा टेक्स्ट का, ठीक है, मतलब देखेंगे ए बी सी लिखा हुआ है तो दोनों में से किसी भी एक को आप क्लिक कर लीजिए। किसी भी एक को क्लिक करने के बाद आप देखेंगे इधर आपको ए बी सी सिलेक्ट होगा तो आप इस पर डबल क्लिक करके इसको रीनेम भी कर सकते हैं। तो मैं कुछ टेक्स्ट इधर से टाइप कर लेता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हम कुछ टेक्स्ट इधर टाइप कर लिए हैं। अभी इसको हम लोग थोड़ा बड़ा और इसका साइज को थोड़ा दोस्तों इंक्रीज हम लोग कर रहे हैं। तो साइज इंक्रीज करने के लिए आप देखेंगे इस टाइप से दोस्तों आपको एरो की दिखने को मिलेगा। आप इस तरह दोस्तों इसको किसी भी जगह हटा लड़ा सकते हैं, ठीक है। मैं इसको सेंटर में रख देता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि इसका जो टेक्स्ट इफेक्ट है उसको आप चेंज करेंगे तो आप फॉन्ट का जो स्टाइल आप देख रहे हैं इधर बहुत सारा फॉन्ट स्टाइल है, जो फॉन्ट आपको पसंद है उसको आप इधर से यूज कर सकते हैं अपने पसंद के हिसाब से। तो मैं एक नॉर्मल सा फॉन्ट इधर से यूज कर रहा हूँ, ठीक है। अभी अगर इसको साइज़ को आप इधर से भी कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। मैं थोड़ा इसको इस तरह रख देता हूँ, ठीक है, तो ये परफेक्ट है। अब इधर मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर रहा हूँ। अगर इसका टेक्स्ट वगैरह कलर वगैरह आप चेंज करना चाहते हैं तो आपको इधर भी कलर वगैरह का ऑप्शन इधर दिया रहा है, तो अगर आपको कलर वगैरह चेंज करना है तो भी आप कर सकते हैं। मैं इसको वाइट कलर ही रखता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों अब हो गया। अभी दोस्तों आपको जो काम करना है, अगर आप इसको टेक्स्ट को थोड़ा लंबा करना चाहते हैं तो लंबा भी कर सकते हैं, ठीक है, जितना आपका मर्जी। अगर आप किसी के वीडियो के ऊपर इस टेक्स्ट को रखना चाहते हैं तो उस वीडियो को सबसे पहले आपको सिलेक्ट कर लेना होगा, उसके बाद आपको ये टेक्स्ट को सिलेक्ट करना होगा उसके ऊपर, तब दोस्तों सेम काम ही करेगा, ठीक है। अब चलिए आपको जो काम करना है सेकेंड काम, टेक्स्ट टाइपराइटर टेक्स्ट इफेक्ट डालने के लिए आपको इधर एक ऑप्शन मिलेगा बिहेवियर्स का, तो आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको इधर एक ऑप्शन मिलेगा रिबेल का, तो आपको इसको इस तरह ड्रैग एंड ड्रॉप करके इसके ऊपर या फिर ये टाइमलाइन के ऊपर आपको छोड़ देना है। इसको छोड़ने के बाद आप देखेंगे जब इसको प्ले करेंगे तो आपको कुछ इस टाइप से इफेक्ट देखने को मिलेगा, लेकिन इसमें दोस्तों आपको किसी तरह का टाइपराइटर टेक्स्ट इफेक्ट देखने को नहीं मिल रहा है, ये एक अलग सा ही इफेक्ट है, ठीक है। तो मैं इसको पॉज कर देता हूँ। अब आपको राइट साइड में एक ऑप्शन मिलेगा बिहेवियर्स का, आप ये देख सकते हैं इधर आपको कुछ ऑप्शन मिल रहा है तीन, इन ड्यूरिंग आउट, ठीक है। तो आपको इन में जो काम करना है, इन में आपको एक काम करना है, ये जो सेकेंड ऑप्शन है टाइप का,
इस पर आपको जाना है, उसके बाद टेक्स्ट में जाना है, उसके बाद इधर से आपको फास्ट टू लास्ट क्लिक कर देना है, उसके बाद मूवमेंट पर आपको जाना है और इधर से दोस्तों आपको जो इज इन है इधर से आपको क्वेरी सिलेक्ट कर देना है। ठीक है, तो ये दो ऑप्शन इस तरह सिलेक्ट हो गया है। अब आपको जो सेकंड ऑप्शन में जाना है ड्यूइंग पर, तो इधर से भी दोस्तों आपको टाइप पर जाना है और इधर से नन कर देना है, उसके बाद आउट पर जाना है, उसके बाद दोस्तों स्टाइल से आपको इधर से नन कर देना है। ठीक है, तो ये तीनों काम हो गया है। और दोस्तों फास्ट जो ऑप्शन है आपको इधर स्टाइल कुछ नहीं करना है, टाइप में जाकर आपको फास्ट टू लास्ट सिलेक्ट करना है। ठीक है, पहला ऑप्शन। और दोस्तों मूवमेंट पर आपको इज इन क्वाइट जो ऑप्शन है इसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। ये दो काम आपको करना ही है और ये जो है इसको दोनों को नन कर देना है। ठीक है, अब दोस्तों आपको जो काम करना है, अब आपको ये जो स्पीड है स्पीड को 100% कर देना है। और दोस्तों ये जो है ऑफसेट इसको थोड़ा सा आप इसको अपने हिसाब से फास्ट स्लो कर सकते हैं। अब चलिए हम लोग मैजिक देखते हैं। तो वीडियो को सबसे पहले हम लोग प्ले कर देते हैं। अब आप देखेंगे ये वीडियो कैसे दोस्तों आप टाइप राइटर की तरह टाइप हो रहा है। आप देख सकते हैं बहुत ही स्मूथली दोस्तों टाइप हो रहा है। तो आप देख सकते हैं हमारे वीडियो में जो है टाइप राइटर टेक्स्ट इफेक्ट ऐड हो चुका है। अभी दोस्तों अगर आप कोई ऑडियो मतलब कोई साउंड इफेक्ट टाइप राइटर का कीबोर्ड का साउंड इफेक्ट ऐड करना चाहते हैं, तो सिंपल आप गूगल पर जाकर आप टाइप राइटर साउंड इफेक्ट सर्च कर लीजिएगा, आपको लाखों साउंड इफेक्ट मिल जाएगा। उसको आप सिंपल सा क्या करेंगे, ये जो ट्रैक वन है या फिर ट्रैक टू है आप किसी भी जगह उसको रख देंगे एडजस्ट करके साउंड को। तो मैं आपको एक साउंड ऐड करना भी सिखा देता हूँ, मेरे पास तो फ़िलहाल वो साउंड नहीं है, तो मैं कोई भी एक साउंड को इधर से ले लेता हूँ। तो मान लीजिए यही एक कीबोर्ड टाइपराइटर का साउंड है, तो ये साउंड मैंने ले लिया है। ठीक है, तो मैं थोड़ा इसको छोटा कर देता हूँ, तो यही मेरा साउंड है। तो आप इस तरह ही साउंड को रख दीजिएगा अपने हिसाब से। ठीक है, बस इसको आप ऊपर या फिर नीचे किसी भी जगह रख सकते हैं। उसके बाद आप टाइपिंग कर देंगे तो ये देखेंगे टाइपिंग साउंड भी आपको मिल जाएगा, साथ ही आपको ये टाइप राइटर की इफेक्ट भी आपको मिल जाएगा। तो आपने सीख लिया कि कैसे अपने कंप्यूटर से एक वीडियो एडिटिंग के माध्यम से वीडियो में जो टेक्स्ट होता है उसको टाइप राइटर इफेक्ट कैसे डालते हैं, साथ ही एक साउंड कैसे डालते हैं वीडियो के अंदर। तो अगर आपने सब कुछ काम कर लिया तो आपको एंड में इस वीडियो को सेव करना होगा। सेव करने के लिए ऊपर आपको शेयर बटन मिलेगा, उस पर क्लिक कर दीजिए, लोकल फाइल पर क्लिक कर दीजिए, उसके बाद एक एरर आएगा, आप इसको ओके या फिर क्लोज कर देंगे तो आपके सामने इस तरह दोस्तों आ जाएगा प्रोडक्शन का। तो इधर आपका जो कस्टम ऑप्शन सिलेक्ट होगा, लेकिन आपको इसको एरो पर क्लिक करके इधर से आपको जो ऑप्शन मिलेगा कुछ MP4, ठीक है, तो आप इस पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपको सिंपल सा नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट बटन पर क्लिक करने के बाद इधर से आपको जो है एक प्रोजेक्ट नाम दे देना है। ठीक है, उसके बाद आपको कहाँ इस वीडियो को सेव करना है वो लोकेशन आपको चूज कर लेना है। ठीक है, उसके बाद सिंपल सर कुछ नहीं करना है, आपको फिनिश बटन पर क्लिक करना है। फिनिश बटन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों ये जो है वीडियो कुछ टाइम में ही आपका फिनिश हो जाएगा, और फिनिश होने के बाद दोस्तों आपको अपना वीडियो मिल जाएगा और उस वीडियो को आप अपने किसी भी जगह यूज कर सकते हैं, चाहे YouTube हो, Facebook हो, किसी भी प्लेटफॉर्म में आप उसको यूज कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं वीडियो हो चुका है, अभी देख सकते हैं ऑटोमेटिकली हमारा जो वीडियो है वो प्ले भी हो रहा है। तो इस टाइप से आपको वीडियो मिल जाएगा और इसमें टाइपिंग जो है टाइपराइटर इफेक्ट भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको आज का यह वीडियो पसंद आया है। अगर आपको आज का यह वीडियो एडिटिंग टिप्स पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, थैंक्स।